नमस्कार दोस्तों, अर्चीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या ले लिए, कढ़ाई में हमने कटे हुए प्याज लिए हैं, 3 से 4 प्याज लिए हमने। अब इन्हें थोड़ा भून लेंगे, इन्हें हल्का हल्का ब्राउन होने तक हम इन्हें भून लेंगे। ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों दोस्तों अपन अब इसी ऑयल में ऐड कर देंगे टमाटर। हमने 10 से 15 टमाटर लिए हैं, हल्का ब्राउन होने के लिए दोस्तों हमने इनको इससे 5 से 6 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है। ये अच्छे से पक के तैयार हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब अपन लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। अब ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अपन इनको निकाल लेते हैं। मिर्च और लहसुन को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुका है, अपन इसको इस तरह से अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी ग्राइंडर में अपन टमाटर डाल देते हैं, टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए इस तरह से अपन इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ऑयल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें। अब इनको अच्छे से पकने देंगे, हमने जो पेस्ट बनाया था अब उसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच पे। देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अपन इसमें टमाटर की ग्रेवी ऐड कर देंगे जो अपन ने बनाई थी। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे से इसे ऑयल ऊपर आने तक अच्छे से इसको पकने दीजिए। जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक इसको अच्छे से धीमी आंच पे पकने दीजिए। इसे तैयार हो चुकी है, अब इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर को अच्छे से पकने देंगे, ये पक चुके हैं अच्छे से, मटर अपने अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। दो से चार मिनट इसको पका लेंगे। इसमें हम
मैगी मसाला ऐड कर, इसमें मैगी मसाला ऐड कर देते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अपन इसे गार्निश कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।